अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा। उनके इंग्रीडियंट्स देख लीजिए, चार बॉयल आलू, कद्दूकस किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च जितना आपको चाहिए तीखा फाइन चॉप कर लीजिए, लहसुन 4 से 6 कलियाँ चॉप कर लीजिए फाइन, अदरक 1 टुकड़ा चॉप कर लीजिए, प्याज भी हाफ इसको भी फाइन चॉप कर लीजिए। ये है कसूरी मेथी क्रश किया हुआ, अजवाइन और मंगरैल, ये सबको उठा के हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया सूखा, लाल मिर्च, कॉर्न चिली फ्लेक्स, हल्का सा गरम मसाला, ये सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करके धीरे धीरे ये इसका मुंह दबाते जाए, जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्रीम को इस तरह से दबाए, हल्का ही आटा लगाएं तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। अब बेल ले, इसमें डाल दे, जब हो जाए तो फिर उसको पलट लेंगे। अच्छा नहीं बना है ये वीडियो, नहीं सही बना। लीजिए अब हमारे आलू का पराठा बनकर तैयार हो गया, टमाटर की चटनी और हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं। अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें।